दोस्तों आज आपको दिखाएंगे कच्चा मीना कैसे करते हैं और कैसे होता है। यहाँ दोस्तों एक छोटा सा वीडियो है, 3 मिनट का वीडियो है, पूरा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए पीला जो है ये गम है और जो लाल जो है वो कलर है। तो गम के साथ कलर को आपको मिक्स कर लेना है। कच्चा मीना कैसे होता है, कच्चा मीना हमेशा पक्का मीना के ऊपर होता है। मतलब कोई काम पॉलिश हो गया है, उसके बाद जो मीना है उससे थोड़ा निकल जाता है, तो वहाँ पे कच्चा मीना किया जाता है। क्योंकि पापा साहब उसको पक्का मीना करेंगे तो वापस उसको हीट लगाना पड़ेगा, आग में देना पड़ेगा, तो काला हो जाता है, वापस पॉलिश करना पड़ता है। इसलिए पॉलिश होने के बाद अगर मीना निकल जाता है ना, तो उसी पे कच्चा मीना लगाना पड़ता है। ये देखिए यह है कच्चा मीना का डब्बा, यह लाल कलर का, ये मार्केट में आपको मिल जाता है, आप जाके पूछिएगा, आपको मार्केट में मिल जाएगा, हर कलर का कच्चा मीना आपको मिल जाता है। तो ये लाल है, उसके साथ जो है गम को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद देखिए जहाँ से निकला था, ये देखिए पहले मीना हो चुका था, ये देखिए, तो मीना होने के बाद थोड़ा थोड़ा निकल गया था, तो इसीलिए उसमें कच्चा मीना लगाना पड़ रहा है। देखिए तो आप एक स्टिक लीजिए और उस मीना को लीजिए और जहाँ पे आपको लगाना है वहाँ पे लगा दीजिए। दो टॉप से मैं अपने पास मीना होने के लिए कच्चा मीना, पहले वाला हो गया। और देखिए कलर और गम को अच्छे से मिक्स कर लेना है और सूखने को देना है। कच्चा मीना देखिए, ये जो कच्चा मीना में जिस पे हो रहा है ये थोड़ा सा है, इसलिए ये 2-3 घंटे में सूख जाता है। लेकिन आपको ज़्यादा कच्चा मीना जब लगाएंगे कोई नेकलेस पे, कोई मंगलसूत्र पे, तो आपको 5-6 घंटे उसको रखना पड़ेगा, नहीं तो वापस वो निकल जाएगा, हाथ लग के कपड़े पे लग के वो निकल जाता है। तो कच्चा मीना सूखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। कच्चा मीना लगाने के बाद उसको ठंडे में रख दीजिए और कम से कम 4-5 घंटे के लिए रख दीजिएगा, तो कच्चा मीना सूखेगा, नहीं तो नहीं सूखेगा दोस्तों। ये देखिए ऐसे रखना पड़ेगा इसको अभी 2-3 घंटे के लिए, नहीं तो उंगली पे लग जाएगा और गम सूखता नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।